मित्रों नमस्कार। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2021 में एक मामले में जिसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, उसमें हाईकोर्ट द्वारा यह कहते हुए कि महिला गृहिणी थी उसकी मुआवजे की रकम को कम आंका गया था, उसे काफी बढ़ा दिया और 32.2 लाख रुपए तक कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जिसमें कि हाउसवाइफ पूनम और उसके पति विनोद की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसके मुआवजे की रकम 22 लाख तय की थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 33.2 लाख रुपए करते हुए ये कहा कि घर में रहने वाली महिलाओं के काम को कम आंकने वाली सोच को बदलने की अब जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में एक केस की सुनवाई के दौरान यह कहा कि घर में रहने वाली महिलाओं के काम उनके पति के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोटर वाहन दुर्घटना के मुआवजे के एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिक्रिया दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि महिला गृहिणी है या घर पर रहने वाली महिलाएं काम नहीं करती या फिर वह घर में कोई आर्थिक सहायता नहीं करती, यह सोच अत्यंत गलत है। अब इससे बाहर आने की जरूरत है। कार दुर्घटना में जान गंवाने वाले इस दंपत्ति के रिश्तेदारों को मिलने वाले मुआवजे की रकम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ा दिया। जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की पीठ ने यह कहते हुए कि गृहणियों की कड़ी मेहनत और श्रम के लिए आर्थिक मूल्य तय करना काफी कठिन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 16 करोड़ महिलाएं घर संभाल रही हैं, जबकि घर संभालने वाले पुरुषों की संख्या करीब 60 लाख ही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार महिला हर दिन घर में काम करती है और साल में 299 मिनट घर में काम करती है, जिसके लिए उन्हें कोई मुआवजे या किसी भी रूप में भुगतान नहीं मिलता है, जबकि पुरुष एक दिन में 97 मिनट घर के काम ही कर पाते हैं। महिला खाना बनाने के अतिरिक्त घर परिवार की देखभाल, घर की साफ सफाई, साज सज्जा, उसे घर को व्यवस्थित करती हैं, रख रखाव करती हैं, बच्चों और बुजुर्गों का लालन पालन भी करती हैं। हाउस वाइफ पूनम और उसके पति विनोद की मिलने वाली मुआवजा राशि को 22 लाख जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया था उसे बढ़ाते हुए 32.2 लाख रुपए का मुआवजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रकरण में ये कहा गया कि अदालतों के को घर पर रहने वाली महिलाओं के अप्रत्यक्ष आर्थिक योगदान को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो भी मामले उनके समय MACT आदि के केसेस लंबित हों, उन मामलों में विचार करते समय अत्यंत उदारता पूर्वक इस व्याख्या का लाभ उन्हें दिया जाए तथा महिलाओं के योगदान की पहचान देने की अब अत्यंत जरूरत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बतलाई और यह कहते हुए घर में रहने वाली महिलाओं के काम को अब काम कम आंकने की सोच को बदलने की अत्यंत जरूरत है। इस प्रकार यह इस मामले में दिया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिससे मुआवजे की राशि, जिस प्रकरण के फैक्ट्स तथ्य इस मामले से मिलते जुलते होंगे, उन प्रकरणों में मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय अधीनस्थ न्यायालयों तथा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित मामलों को अत्यंत सहायता प्राप्त होगी। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर समय समय पर आने वाले निर्णय तथा कानूनों की स्थिति की जानकारी दे रहा हूँ। यदि मेरा यह चैनल आपको अच्छा लगे या लगा हो, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।